नमस्कार दोस्तों, अखबार जबर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे Realme 6i के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर ना मोबाइल फोन्स बहुत ही ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया Realme C3, उसके बाद Realme X50 Pro, उसके बाद Realme 6, Realme 6 Pro, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ Redmi का Note 9 Pro और साथ में Redmi Note 9 Pro Max। अभी यहाँ पर दोस्तों Realme 6i के ऑफिशियल लीक्स आने भी चालू हो चुके हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पर 17 मार्च को Realme 6i म्यांमार के अंदर लॉन्च होने वाला है, इंडिया में भी बहुत ही जल्द आएगा। अब ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखो। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया, 17 मार्च को म्यांमार में ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है Realme 6i, और यहाँ पे आप पोस्टर देख सकते हो। साथ में यार आपको मिलेगा MediaTek का Helio G80 वाला प्रोसेसर। अब ये जो Realme 6i है ना, ये दुनिया का सबसे पहला फ़ोन बन जाता है जिसके अंदर आपको मिलेगा यही MediaTek Helio G80 वाला प्रोसेसर। बात करें अगर हम कैमरा सेटअप की, तो पीछे की तरफ, फिलहाल रियर के बारे में पता है, सेल्फी के बारे में नहीं पता, तो पीछे की तरफ आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप। ठीक है, अब प्राइमरी कैमरा यहाँ पे होने वाला है 48 मेगापिक्सल का। अब सेंसर के बारे में मुझे नहीं पता, सैमसंग का होगा या फिर सोनी का होगा उसके बारे में नहीं पता, और बाकी जो लेंसेज वगैरह है उनके बारे में भी नहीं पता। चांसेस है कि एक वाइड एंगल सेंसर हो हमेशा की तरह, और एक माइक्रो लेंस हो, और एक डेप्थ सेंसर हो हमेशा की तरह। ठीक है, लेकिन प्राइमरी सेंसर यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का है। अब बात करें अगर हम बैटरी की, तो बैटरी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इसके चार्जर के बारे में पता है। Realme 6i के साथ में आपको मिल जाएगा 18 वाट क्विक चार्ज का सपोर्ट। अब क्विक चार्ज की वो तो पता नहीं, वैसे Realme वाले हमेशा वूक या फिर डार्ट के साथ जाता है, यहाँ पे क्विक चार्ज की बात हो रहा है। मतलब जो क्वालकॉम क्विक चार्ज 3 आता है ना 18 वाट वाला, वो आपको मिलेगा। साथ में USB टाइप सी पोर्ट भी मिलेगा, और 3.5mm ऑडियो जैक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लाइव फोटोज की ना, तो लाइव फोटोज भी बाहर निकल के आए हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये वाला लाइव फोटो जो कि बाहर निकल के आए। पीछे से देखोगे तो बैक में आपको व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है, और साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। तो बेसिकली एक ही लाइव फोटो बाहर निकल के आए थे, और छोटे मोटे स्पेसिफिकेशंस भी बाहर निकल के आए थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करें प्राइस की, तो 10,000 रुपये के आसपास ये होने वाला है मेरे ख्याल से। जो बेस वेरियंट होगा 4GB रैम और 64GB वाला, उसकी भैया कीमत होने वाला है 10K, और उसका एक अपर वेरिएंट भी होगा शायद से 6128 या फिर 664, शायद से उसकी प्राइस 11,000 या फिर 12,000 हो सकता है। अब मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि ये फ़ोन जो है इंडिया में भी बहुत जल्द आने वाला है। अब ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूँ, Realme 6i जो है वो BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है RMX2040 मॉडल नंबर के साथ में, जिसको कंफर्म किया है मुकुल शर्मा ने। अब मुकुल शर्मा कौन है आप सभी जानते हो, ट्विटर में वो बहुत सारे लीक्स वगैरह डालते रहते हैं जो कि मतलब ओरिजिनल वाला होते हैं और सही लीक्स बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुकुल शर्मा ने कंफर्म कर दिया कि RMX2040 वाला जो मॉडल नंबर है वो BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है, जो कि होने वाला है Realme 6i। अब जब भी BIS सर्टिफिकेशन पर कोई फ़ोन लिस्ट होता है, तो इसका मतलब वो वाईफाई सर्टिफिकेशन पर भी लिस्ट होगा, फिर वो इंडिया में भी आएगा। तो इसलिए मैं पहले बोल रहा था कि भाई Realme 6i भी इंडिया में बहुत ही लॉन्च होने वाला है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।